द बेसिक साइंस में आज आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे शक्ति, जिसको इंग्लिश में पावर कहा जाता है। शक्ति या पावर को परिभाषित करने के लिए या डिफाइन करने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति या मशीन का एक सेकेंड में जो कितना काम कर सकता है वही उसका शक्ति कहलाता है ना। शक्ति किसी व्यक्ति या मशीन के या मशीन के इकाई समय में कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। क्षमता को कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति एक सेकेंड में 10 जूल कार्य करते हैं। तो उस व्यक्ति की क्षमता दस वाट हो जाएगी। जब भी कोई भी मशीन या व्यक्ति एक सेकेंड में जितना काम कर सकता है वही उसकी क्षमता कहलाती है ना। क्षमता का मात्रक अगर देखें पावर इक्वल टू होता है फॉर्मूला वर्क इनटू वर्क बाय टाइम। तो इसका अगर यूनिट बताएं वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड, तो पावर का शक्ति का मात्रक हो जाता है क्या, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और इसी जूल प्रति सेकेंड को जेम्स वाट के सम्मान में इसे वाट के नाम से जाना जाता है। तो एक जूल बटा एक सेकेंड को एक वाट बराबर एक जूल बटा एक सेकेंड को कहा जाता है। इस तरह से एक वाट शक्ति की अगर परिभाषा दे तो कोई भी व्यक्ति या मशीन जब एक सेकेंड में एक जूल कार्य करता है तो उसके शक्ति को एक वाट कहा जाता है। याद रहेगा ना, कोई व्यक्ति या मशीन एक सेकेंड में जब एक जूल कार्य करता है तो उसके शक्ति को एक वाट कहा जाता है। अब यहाँ से जितना भी मशीन या आदमी के ऊपर तो नहीं लिखा होता है कि उसका शक्ति कितना है ना, लेकिन जितना भी इलेक्ट्रिक सामान सब है उसके ऊपर उसका शक्ति लिखा होता है ना, कि उसको एनर्जी कितना दिया जाएगा तो वो कितना काम करेगा। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाए तो वो एक सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खपत करेगा है ना। अब यहाँ से शक्ति का कुछ कन्वर्जन होता है ना, शक्ति है तो उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। व्यावसायिक में हमेशा यूनिट का उपयोग किया जाता है ना। तो 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है, और जितना भी जब बिजली बिल या किसी कोई भी आता है तो वो यूनिट में आता है, क्योंकि शक्ति बहुत छोटा मात्रक है इसीलिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और 1 किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁶
जूल होते हैं। कभी कभी ये किलो कैलोरी में दिया होता है ना, तो किलो कैलोरी में एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल लगभग में होता है ना। एक्यूरेट वैल्यू होता है 4.18, लेकिन इसको लगभग में 1.2 कर दिया जाता है ना। अब यहाँ से अगर कोई से क्वेश्चन किया जाए कि कोई व्यक्ति है जो 10 सेकेंड में 100 जूल काम करता है ना, 10 सेकेंड में कोई व्यक्ति 100 जूल काम करता है तो उसकी क्षमता कितनी है ना। तो उसकी क्षमता पता करने के लिए, तो क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। कितना 100 जूल काम करता है, तो 100 बाय टाइम कितना, 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा 10 वाट। तो उस व्यक्ति की या मशीन की क्षमता 10 वाट हो जाएगी है ना। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति या मशीन के क्षमता को पता कर सकते हैं। दो तीन चीज़ है, शक्ति है, कार्य है और समय है। अगर उसमें से कोई दो पता हो तो तीसरा राशि आसानी से इस फॉर्मूला के द्वारा हम बता सकते हैं, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यानी शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय।